आज भाई लोग 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस, और हमारे घर आए हैं सेंटा क्लॉज लेकर इतने सारे गिफ्ट। क्या हाल चाल है सेंटा? मतलब ये वाला गेट तो खुल रहा है, इसके अंदर जो मेन गेट है ना घर के अंदर घुसने का, वो भी लॉक हो गया, तो सारे रास्ते बंद हो गए भाई। गेमिंग रूम का भी बंद है, खिड़कियां भी बंद है। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, सेंटा क्लॉज कमिंग अराउंड कैंडी ऑन द वे। अबे तेरी थोड़ी है घड़ी, जो पहना दो मेरी है भाई साहब, मैं पहनूंगा। चला जाना बड़ा है, मेरी नई एप्पल वॉच लेना चाहता है, बहुत मारूंगा मैं तेरे को। तो यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 23 दिसंबर 2021, मैं वो भी गुड़गांव में। पार्थ भी है मेरे साथ आज गुड़गांव में। गिली गिली गप्पा शर्मा गया, कैमरा देख के शर्मा गया लड़का। तेरे को भी ऐसी घड़ी चाहिए क्या? एक पैसे दे ला, 50,000 दे दे 50,000, और एक आईफोन और खरीद ले, फिर तू पहनी हो ये। चलो रे चलो जल्दी चलो, दिखा पहन के, दिखा कैसी लग रही है। ये तो पुरानी सी लग रही है, रोड से पड़ी हुई उठा ली है किसी की। किसकी? ऐसा ही बता दे, चुरा के लाया ना। 250 रुपए की लग तो नहीं रही, ऐसा लग रहा है किसी से उठा के लाया। पहन तो ऐसी पहन ले बिना। अबे ये क्या कर रहा है, झमूरा ही है यार तू तो, दिखा अच्छे से। ओए होए, ये किसकी है? ये इतनी सी, एक घुट हो इसमें पानी आएगा तो करना क्या इसका? फेंक दे बेकार है। आज तो भाई साहब पैसे पैसे बांटे जा रहे हैं। कंबल कहाँ है सारे? वो तो रखने हैं गाड़ी में, यहाँ पे रखे हुए हैं सारे ब्लैंकेट्स, अब गाड़ी में रखेंगे इनको। थोड़े बहुत क्रेटा में ही पड़े, उस दिन हम बांट के आए थे ना, तो बचे हुए थोड़े बहुत उसमें रख दिए थे, बाकी अंदर ले आए थे। अंदर ये देने हैं ये वाले? ये है कितने? ये जो खुले पड़े ये वाले 15-20 है या नहीं है? 5-6-7 तो ये है। देख गाड़ी में कितने बाकी और यहाँ से रख। गाड़ी में तो ये है ना, पैकेट वाले है। हाँ तो 20 रख दो टोटल, अभी वहाँ तो इतने लोग ही मिलेंगे मेरे ख्याल, ज्यादा क्या मिलेंगे। ओ अच्छा, ज्यादा होंगे वहाँ तो बहुत होते हैं। चलो रख लेते हैं, जितने बटेंगे वहाँ बांट जाएंगे, वरना बाद में देख लेंगे, क्योंकि आज वीरवार है तो वहाँ पीर बाबा के काफी लोग मिल जाते हैं, तो जितने होंगे सबको दे देंगे। तो यार असल में सीन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने थार ली थी ना, उस टाइम पे मेरा बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली हो गया था। इन्वेस्टमेंट है वो तो अलग पड़े है, वो मैं निकाल नहीं सकता अभी, बट जो एक्चुअल में सेविंग्स अकाउंट होता है ना, उसमें बैलेंस 10-12 हज़ार रुपए बच गए थे, क्योंकि थार अर्जेंट मिल गई तो मैंने कहा लेके नक्की करते हैं। उसके बाद ना एक ब्रांड से बात चल रही थी मेरी, तो मैंने ना मतलब अच्छा ब्रांड था, पैसे भी अच्छे मिलने थे, तो उस वक्त मैंने वैसे ही सोचा था कि अगर ये ब्रांड की डील फाइनल हो जाएगी ना, तो भाई साहब उसमें से 50,000 रुपए जो है हम वो बांट देंगे एज अ चैरिटी। तो अब क्योंकि सर्दियां चल रही है, तो मम्मी ने कहा सबसे बेस्ट है भैया कंबल लेके बांट दो, तो इसलिए हमने 100 कंबल लिए टोटल, वो बांटेंगे। और साथ ही साथ 31 दिसंबर को मैं तो आऊंगा नहीं, जब मैं आ जाऊंगा वापस न्यू ईयर के बाद 1 या 2 तारीख को, थोड़े बहुत जो है हम वो भंडारा भी करेंगे जो पूरी आलू की सब्जी का है। ठीक है जी, मतलब वो डील फाइनल हो गई थी इसलिए तो मैंने ये पीसी भी जब ही लिया था। चलो जी चलो, इस वाले पीसी की बात कर रहा था, पार्थ को भी ये बहुत पसंद आया था। अगर इसका व्लॉग नहीं देखा तो आप चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे, नेहरू प्लेस से खरीद के लाया था मैं। चलो भाई चलो, भागो जल्दी जल्दी, चलो जल्दी 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 जल्दी। चाबी उतारने के लिए कुर्सी पर चढ़ रहा, हाथ नहीं पहुंचता तेरा, चल हट। अरे 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 बस भाई साहब बस बस बस, चलो चलो चलो। जितने कंबल हम रख के आए थे ना, उससे बहुत ज्यादा लोग निकले वहाँ वहाँ पर, हमने सोचा नहीं था। घर पे पड़े हैं वैसे और कंबल है ना? पड़े हैं, गाड़ी में आते हैं डिक्की में। चलो कोई नहीं, अभी गौशाला है ना गुड़गांव में, वहाँ पर भी बांटने हैं और ले लेंगे, वरना 31 दिसंबर के आसपास अगर बांटने होंगे तो। नेक्स्ट मॉर्निंग ठंड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, लास्ट 6-7 दिन से कुछ ज्यादा ही हो गई, तो बाहर धूप आ रही थी इसलिए मैंने यहीं पे ये मंजा लगवा लिया, और यहाँ बैठ के अब एडिटिंग करेंगे। हाँ क्या हो गया तेरे को? है तेरे को क्या हो गया बदतमीज लड़के, चल भग जा यहाँ से। भाई साहब काम करने दोगे नहीं करने दोगे, एक बार बता दे मुझे बस। है 15 मिनट हो गए तेरे को, एक क्लिप एडिट कर पाऊँ मैं 3 सेकंड की, ये देखो बस आगे चिपक जाता फिर से। अब मेरा बच्चा, इसको असल में ऐसे ऐसे करवाना है अपने ऊपर, है ना, ऐसे ऐसे करवाने बाबू को, प्यारे से बच्चे को। ये देखो अब इधर आ गया। अच्छा ये ले चल, 5 मिनट करूंगा ठीक है, 5 मिनट के बाद अपने आप भर जाइयो।
तो यार अभी एक दिक्कत हो गई है, मम्मी पापा वाले रूम का भी गेट बंद है, हॉल वाला भी बंद है, और गलती से मैंने जो हमारी अंदर की मेन एंट्रेंस है ना वो बाहर से ऐसे बंद कर दिया, तो वो बंद करने से ना अंदर से भी लॉक हो जाता है। मतलब ये वाला गेट तो खुल रहा है, इसके अंदर जो मेन गेट है ना घर के अंदर घुसने का वो भी लॉक हो गया, तो सारे रास्ते बंद हो गए भाई। गेमिंग रूम का भी बंद है, खिड़कियां भी बंद है, अंदर कोई है नहीं, अब समझ नहीं आ रहा जाए कैसे हम। ये देखो ये वाला जो गेट है ना ये मैंने नॉर्मली ऐसे बंद करा था यूं, बट इसके अंदर वो लॉक वाला मैकेनिज्म है, अब ये चाबी से ही खोल सकता है, चाबी भी इसकी भाई अंदर ही है। हमारे पास छत पे जाने का रास्ता है, देखते हैं छत से कोई जुगाड़ बनता है या नहीं बनता। तो अभी कोशिश करी जा रही है यहाँ पर सीढ़ी लगा के इधर पीछे पहुंच जाए, क्योंकि शायद से मेरी गेमिंग रूम वाले का जो दरवाजा ना वो खुला हुआ है, तो उससे जाया जा सकता है। अब देखो कैसे उतरेंगे यहाँ। बस 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 हो गया हो गया हो गया काम, बस वो अब सही में गेट खुला होगा, मम्मी ने बंद ना कराओ, सारी मेहनत बेकार, आप ऊपर भी कैसे आओ। ये वाला देखो तीसरे वाला। अरे यार किस्मत ही खराब है, मम्मी चाबी सारी अंदर ही है ना। तो अभी इन भैया को भेज रहे हैं नीचे सीढ़ी से, देखते हैं जुगाड़, दूसरे रूम की खिड़की में से घुस सकते हैं। यार खिड़की से भी जाने का जुगाड़ हो नहीं पा रहा है, अब तो वही है चाबी वाले को बुला के लॉक खुलवाना पड़ेगा। तो यार फाइनली जुगाड़ बना है, किचन वाली खिड़की खोल के किसी तरह से, और अब यहाँ से अंदर एंटर करेंगे और गेट खोलेंगे। इसके अलावा तो और कोई सोल्यूशन हो नहीं रहा था, ये भी बात केशव ने बताई। असल में हम कभी गए होंगे बाहर तो केशव घर में अकेला होगा, उससे भी सेम सिचुएशन होगी होगी, तो उसने यही वाला लिया सोल्यूशन, खोल दो अंदर से। लो जी खुल गया फाइनली, चलो भाई साहब ये भी बंद था, खोल दिया आज। चलो जी आ गए फाइनली अंदर, मिली गई एंट्री अपने ही घर में, बताओ बाहर लॉक हो गए थे केशव की वजह से, पता चल गया कैसे जाना है अंदर। चलो एक डेढ़ घंटे से ज्यादा बर्बाद हो गया आज तो फालतू में, एडिटिंग भी नहीं कर पाया। सुन ले मेरी बात, अब तूने परेशान किया मेरे को एडिटिंग करने से, चुपचाप अंदर चला जा। चलो मैं फटाफट एडिटिंग निपटा लूं यार, अभी मैं अंदर आ गया हूं क्योंकि खाना बन गया है, वही चावल और चिकन साथ में। व्लॉग काफी लंबा बन रहा है, सोच रहा हूँ इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं। काफी लोग कहते हैं 18-19 मिनट का व्लॉग मत बनाया करो, तो ये 22 मिनट का है, तो मैं सोच रहा हूँ 11-11 मिनट के दो बन जाएंगे, सही रहेगा है ना। तो यार मैंने आज पूरा दिन व्लॉग नहीं किया क्योंकि कुछ एक अर्जेंट शूट आ गया था, इसलिए मैं निकल गया। बट आज है भाई 25 दिसंबर, यानी कि क्रिसमस, सभी को भाई मेरी क्रिसमस। आज हमारे घर पे सेंटा क्लॉज भी आए हैं। हेलो सेंटा क्लॉज, कैसे हो, सुनाओ तो कुछ जल्दी जल्दी। जिंगल अनियोना क्या एंड में तो तू भूली गया, लाओ टॉफी दो हमारी जल्दी, सेंटा क्लॉज जल्दी दो टॉफी, गिफ्ट भी हो, कैसा सेंटा है तो टॉफी नहीं दे रहा किसी को भी। ओ भाई साहब एक एक दे दो, सबके बांटनी है ना, लाओ 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 लाओ। ओ पल्स लाया, महंगा सेंटा क्लॉज है, क्या बात है, गिफ्ट मेरा, इतनी टॉफिया थोड़ी, गिफ्ट मांग रहा हूँ गिफ्ट। गिफ्ट ये गिफ्ट है, ये कैसा गिफ्ट है, टॉफी वाला छी, गिफ्ट ला मेरा। एक मेरे को चाहिए नई बाइक हार्ले डेविडसन, दिलवा देगा कि सेंटा क्लॉज, नकली सेंटा क्लॉज है भाई, मारो 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 सेंटा क्लॉज के मारो। एक दो लोग पहले आपने देखा होगा, मैं गया था अपना चांदनी चौक करोल बाग, तो वहां से मैं ये गेमिंग कंसोल खरीद के लाया था, तो मैं सोचा था मेरे को इसकी जरूरत तो है नहीं, वीडियो बना के पार्थ को गिफ्ट कर दूंगा, और आज क्रिसमस है तो दे देते अपने सेंटा क्लॉज को। सेंटा क्लॉज हमारे लिए ये गिफ्ट लाया, और हम सेंटा क्लॉज के लिए ये लाए है, क्या चीज है ये देख, तो ऐसे नहीं यहाँ से खोल देख, ओए होए होए होए, क्या बात है, तेरे टीवी में चलेगा ये, ठीक है। इसका रिव्यू आपको देखना, तो अनमोल जायसवाल चैनल पे मैंने अनबॉक्सिंग और पूरा गेम प्ले करके दिखाया, सही लग रहा है। दो रिमोट है, ठीक है, अब ठीक है, ये तारे वारे समझा दूंगा अभी तेरे को, चल रख दे अभी तो फिलहाल, रख दे इसी में रख दे बेटे रख दे। तो इसको प्ले स्टेशन वाला ही रिमोट चाहिए था, और वैसे ही मिल गया, क्या बात है, वो भी वायरलेस, ओए होए। ये एक्चुअली मैं पार्थ नहीं लाया, हमने ही अमेज़न से मंगवाया होता, वो नया गेमिंग सेटअप लगाया ना मैंने, उसके लिए ही एक दो चीजें हैं, तो दो तीन दिन से पड़ी थी, आज मौका मिला है, फटाफट अनबॉक्स करते हैं। अच्छा ये तो सर मम्मी ने मंगवाया था, वो जैसे हमारा वहां पे वो लगा हुआ है ना साइड में कॉर्नर वाला, क्या कहते हैं उसे, जिसमें शो के सारे अपना सामान रख सकते हो डेकोरेशन का, उसी तरह का एक ये है, तो इसको असेंबल करना पड़ेगा अभी तरफ से साइड में। बाकी ये जो डब्बा है ना भाई, इसमें है अपना मेन सामान, जो पीसी के एक्सेसरीज वगैरह थोड़ी बहुत। थैंक यू सेंटा क्लॉज, थैंक यू। खुल गया जी, खुल गया। चलो भाई साहब, ओए हट जाओ हट जाओ, ओए। तो एक तो मैंने ये माउस पैड मंगवाया गेमिंग वाला, जो फुल साइज होता है, जिसके ऊपर कीबोर्ड माउस दोनों आ जाता है, और ये भाई साहब वो है RGB वाला, मतलब इसमें भी लाइटें जलेगी मस्त एकदम। और ये आया है अमेजोन बेसिक का एक, क्या है ये, अच्छा ये शायद से वो है मॉनिटर स्टैंड, हाँ मॉनिटर स्टैंड है ये। वैसे तो मॉनिटर की फिटिंग सही आ गई है वहां पे, बट देखते हैं इसको लगा के, अगर इससे अच्छा लगेगा तो यही लगाए रखेंगे, वरना वो सही है अभी तो, इसको मैं फिर रिटर्न कर दूंगा। एक और ये आया हुआ था, मैं ढूंढ रहा यार कहां गया मिली गया, फाइनली इस ड्रॉअर में रखा हुआ था, फाड़ इसको जल्दी फाड़ सेंटा क्लॉज,
वरना किसी काम का नहीं है तू लड़के। कागज चाहिए तो अगर ये भी नहीं फटा ना दर से तो सेंटा क्लॉज नाम पे कलंक है तू, क्या है? फाड़ फाड़ फाड़। ओ भाई साहब जा यारा। नहीं है भाई साहब आप में दम ही नहीं है। ना 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 फुसड्डी हो आप। ओ वाह एड़े क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इसके अंदर निकले भाई साहब लॉजिटेक के स्पीकर, क्योंकि ये जो मैं टेराबाइट के स्पीकर लाए थे ना ये बहुत ही ज्यादा बेकार है भाई साहब, मतलब कुछ मजा ही नहीं आता इनमें। तो सेम ऐसी ये स्पीकर है बट ज्यादा पावर की है, ज्यादा वॉल्यूम है। तो इसको लगाएंगे और देखेंगे तगड़े मजे करके। वैसे आप बताना मॉनिटर की पोजीशन यहाँ पे सही लग रही है नहीं लग रही, क्योंकि माउंट तो आ गया है वो वाला सिंगल आर्म जो होता है ना अमेज़न का, तो वो लगा के कोशिश करेंगे, हो जाएगा तो अच्छी बात है। खोल रहा है ये भी, खोल रहा है अभी। चल ठीक है टेस्ट करते आ जा। बस ये है कि पीछे का इसका व्हाइट कलर है, मेरे पूरे पीसी का थीम जो है वो ब्लैक कलर का है, बट कोई नहीं इसका आगे से ब्लैक है तो ज्यादातर यही दिखेगा, इसलिए मैंने ऑर्डर कर ही दिया था। और लॉजिटेक है तो भाई साहब आवाज तो अच्छी होगी है ना, पर क्रिसमस वाले दिन भी चैन नहीं है टिकटॉक बनाने से। होए होए बाय बाय इशू, बाय 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 टाटा बाय बाय चलो बाय। ऑल्सो अमेजोन की तरफ से हमें ये इको डॉट भी हुआ है एलेक्सा, तो इसको भी जल्दी अनबॉक्सिंग करके हम अनमोल जायसवाल चैनल पर बनाएंगे वीडियो। थैंक यू सो मच अमेजोन। मस्त मस्त भाई साहब हिंदी में क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर ब्लॉगिंग चैनल पे भी इसका एक ब्लॉग चाहते हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, बाकी अनमोल जायसवाल पे प्रॉपर रिव्यू आए। और ये देखो भाई साहब केशव ने इतनी देर में ये खोल के सेट भी कर दिया, असल में ये अलग अलग पार्ट आते हैं, उल्टा लगा दिया भाई साहब। ये क्या कर दिया, ये कर दिया, ये नीचे लगता है, दिख नहीं रहा रबर, बस उल्टा कर दो। ये बेस है, बेस ही है नीचे, नीचे वो बने हुए देखो। सोच लो, सोच लिए मैंने, आप सोच लो। चलो ठीक है सही लग रहा है, अब इस पे आइटम लगाओ थोड़ी अच्छी अच्छी सी मस्त मस्त, पार्थ को भी यहीं बिठा दो। चल भाई चल 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 बैठ जा भाई सेंटा क्लॉज। हम घड़ियाल शुरू गए थे मंदिर के बाहर, मिल गया था हुक्का तो मम्मी ले आई थी, अब ये लगाने का काम आ जाएगा। मुझे ये काफी सही लगा तो मैंने हॉल से निकलवा दिया, मैंने कहा बेडरूम में लगाऊं। इधर 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 चाचा इधर 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ यहाँ लगाओ, और इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास रखने लाएगा। मैं सोच रहा हूँ जिन जिन कंट्री से मैंने जो जो सामान लाया हूँ ना, जैसे बुर्ज खलीफा लाया था, दुबई से छोटा मॉडल पिरामिड लाया था, वो सब इसमें लगा दूं। फिलहाल तो ये रखते हैं पहले एक हुक्का, यहाँ पे आ जाएगा। ओहो सही लग रहा है लुक तो भाई साहब। ये देखो एक ये छोटी साइकिल लाया था, एक ट्रैक्टर लाया था, तो ये सब भी इसी के ऊपर आ जाएगा। चलो चली रखो जी, एक आ गई यहाँ साइकिल, यहाँ आ गया ट्रैक्टर, क्या बात है। तीन तो भर दिया, दो बचे हैं। ये मेरे को कॉलेज वाले दोस्तों ने गिफ्ट दिया था बर्थडे पे, तो इसको भी लगा देते हैं यहाँ पर। वेरी गुड, एक चीज और दे दो कोई मस्ती। हाँ वैसे ये तो सही बात है, ये वुडन है ना पूरा, इसमें ये वुडन वाली चीजें अच्छी लग रही है, हुक्का साइकिल ये, ऐसी कोई दो चीजें और हो तो मस्त मजा आ जाए। हाँ ये सही है, एक पौधा मिल गया वुडन का, मस्त लगा दो। हाँ हुक्का नीचे कर दो, ये ऊपर लगा दो, सही है ये सही है, यहाँ पे हुक्का लगा दो, ये लो जी चलो यहाँ हुक्का लगा दो बस। ठीक है जी भाई साहब, बस इतना परफेक्शनिस्ट नहीं बनना, बस हो गया, सही है सही है सही है। चलो उधर मैंने गेमिंग टेबल लगा रखा, वरना एक उधर भी लग जाता ना ऐसे ही पूरा स्टैंड, तो दोनों में मस्त लगता है यहाँ यहाँ पे। और ठीक है कोई नहीं, यहाँ पे ये भी जरूरी था। अभी पहले मैं स्पीकर टेस्ट कर लूंगा, ऑन हो जाएगा ये, क्या बात है। अरे हाँ ये भी अच्छा लग रहा है, मंजा रख लो अपने वहीं। अभी पहले मैं स्पीकर टेस्ट कर लूंगा भाई, सही है यार आवाज तो, बेस भी अच्छी आ रही है इसमें से, मेरे ख्याल ये 600-700 रुपए का है। अभी इसको भी लगा देते हैं भाई अनबॉक्स करके। अभी तक मैं ये इंटेल ने भेजा था मुझे, मतलब एक बॉक्स आया था दिवाली पे, उसमें ये माउस पैड निकला था, तो ये ठीक ठाक सा है, मतलब गेमिंग के मतलब का नहीं है, बट अब तगड़ा RGB वाला लगाएंगे। रिव्यूज पढ़े थे मैंने तो इसके, ज़ेब्रोनिक्स का है ना ये, तो थोड़ा एमिना लग रहा था मुझे तो, बट देखिए तो यार सही में अच्छे रिव्यू तो कह रहे हैं, RGB मस्त है और गेमिंग के मतलब का भी है। तार कहाँ इसकी, प्राइस तो सही है यार काफी, देखना पूरा कीबोर्ड माउस आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात मुझे पता क्या लगी, इसमें जो केबल लगती है ना भाई, ये अलग से है, जुड़ी हुई नहीं है, तो मान लो आपको RGB नहीं यूज करना टेबल में, तो सिंपल रख सकते हो तार को अलग करके, वरना RGB यूज कर लो। अगर ये जुड़ी हुई होती है ना इसमें, तो जिनको नहीं यूज करनी थी ना उनके लिए दिक्कत हो जाती, बट फिर वो लेते ही क्यों है ना, अगर यूज ही नहीं करनी खरीद करो भाई। एक तो जो नई चीज आती है इसको दिखाओ पहले सूंघने के लिए, बदतमीज लड़के, हट जा बहुत मारूंगा मैं, हट जा बिछाने दे मेरे को जल्दी से। देखो कहा था ना जो नई चीज आती है वो, अब नया लगाया है सूंघ रहा है उसको जाके, अगर इसने साइकिल ली तो आज ये मेरे से खत्म है, सुन रहा है अगर। हाँ इधर आ जाए शराफत से, तो कुछ इस तरह से लग रहा है, देखो आराम से कीबोर्ड माउस दोनों आ गया। अब इसको कनेक्ट करते हैं और देखते कैसा है लगेगा। भाई साहब क्या तगड़ा इफेक्ट आ रहा है, और ये बटन भी दे रखा है, इससे मोड चेंज कर सकता हूँ मैं शायद, बट हो नहीं रहा है। खराब तो नहीं है भाई साहब, पोपट हो गया हो गई मेरा, नहीं यार सॉफ्टवेयर से भी नहीं कनेक्ट हो रहा, मैंने करके देख लिया, खराब ही लग रहा है मुझे तो। थोड़ी सी करता हूँ रिसर्च नेट पे, देखता हूँ या इसकी बुकलेट पे पढ़ता हूँ क्या सीन है, फिर पता चलेगा। सब चीजें करके देख लिया भाई, ये जो पर्टिकुलर पीस है यही खराब निकला है, तो मैंने अमेजोन से लिया है, तो अच्छी बात है, उसमें रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी काफी सही रहती है,
तो अब ये रिटर्न मतलब ले जाएंगे और फिर नया पीस दे जाएंगे। वो भी खराब निकला फिर तो मैं रिफंड का ही करूंगा भैया, हमें नहीं खरीदना। जब उन्होंने सालो की करते पे हो, चेक वेक कर ले करो पहले। सॉरी मेरे भाई, तेरा अपमान किया मैंने, आजा वापस अपनी जगह पे। क्या करे भैया, अब यूज करना पड़ेगा 3-4 दिन जब तक नया नहीं आ जाता। इसको पैक करके रख दिया मैंने अलग से ही।